हमेशा अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। राजधानी दिल्ली में आसमान पर पहुंचे प्याज के दाम। कई राज्यों में हो रही बारिश और पेट्रोल डीजल के बढ़े हुए दामों का प्याज के रेट पर पड़ा असर। आजादपुर मंडी में 10 से 15 रुपए किलो बिकने वाली प्याज 25 से 30 पर पहुंची। जानकारों का कहना है कि कुछ दिनों तक दामों में गिरावट आने की कोई संभावना नहीं है। दिल्ली वालों को प्याज एक बार फिर से रुलाने के लिए तैयार है। प्याज के बढ़े हुए दाम दिल्ली वालों की मुसीबत को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। आजादपुर मंडी में जो प्याज कुछ दिन पहले तक 10 से 15 रुपए मिल रही थी, अब वहीं पर आज लोगों को थोक में मंडी के अंदर 25 से 30 रुपए मिल रही है। प्याज की कीमतों में लगातार उछाल आ रहा है, जिसका सीधा असर आम जनता की जेब पर पड़ रहा है। पहले ही से आर्थिक तंगी से जूझ रहे दिल्ली वासियों की दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही है। राजधानी दिल्ली में प्याज के दाम आसमान पर हैं। पुराने स्टॉक खत्म हुआ और नई फसल पूरी तरह आई नहीं। प्याज आजादपुर मंडी में थोक भाव में 25 से 30 रुपए किलो बिक रहा है, तो आम खुदरा बाजार में ये रेट करीब 35 से 40 रुपए किलो तक पहुंच गया है। प्याज की आवक में भी भारी कमी आई है और कई जगहों पर भारी बारिश होने के कारण प्याज की नई फसल बर्बाद हो गई है। यही वजह बताया जा रहा है प्याज के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल के बढ़े हुए दाम भी प्याज के दाम बढ़ाने का कारण बताया जा रहा है। पेट्रोल के दाम बढ़ने से माल भाड़ा बढ़ गया है, जिसकी वजह से लगभग हर चीज के रेट बढ़ रहे हैं। जानकारों का मानना है कि आने वाले कुछ समय तक प्याज के दामों में गिरावट की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि बारिश जैसे पड़ेगी उसके साथ साथ फसलों के खराब होने की संभावनाएं भी बढ़ जाती हैं। उसकी वजह से दाम और ज्यादा बढ़ सकते हैं, जो कि लोगों के लिए समस्या का भी कारण है या नहीं। अब सब्जियों में डालने वाली प्याज लोगों की जेब पर डाका डालने को तैयार है। दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। सर क्या नाम है? मेरा नाम कृष्ण गोपाल है। कृष्ण गोपाल जी, प्याज की रेट क्या अभी बढ़ोतरी हुई है पहले से? हाँ, जैसे आपसे 10 दिन पहले आप आए थे उस समय भाव चला था 20 से 25, आज 20 से लेकर 30 रुपये क्वेश्चन है। क्वेश्चन 5 रुपये किलो टाइट हुए मार्केट। क्या रेट बढ़ने का क्या वजह है? वजह यह है कि फसलें खराब हो चुकी हैं, हर जगह बारिश और फसल में रोग लग गया है। इसका उसकी वजह से जो है फसल 40% रह गया ऑल इंडिया का। क्या पेट्रोल डीजल बढ़ने के कारण भी रेट बढ़ा हुआ है? इससे भी इससे का बहुत फर्क है, तो डीजल महंगे होने से और पेट्रोल डीजल महंगा होने से हर चीज़ में जो है महंगाई बढ़ चुकी है। रेट बढ़ने के कारण आप लोग के पास ग्राहक कितने? ग्राहक ना के बराबर है। जी, तो क्या लग रहा है कि इस हालात में इस तरह से चलते रहेगा तो अगला क्या रेट बढ़ सकता है? हाँ, अगर यही माहौल रहा और पेट्रोल के दाम कम नहीं हो डीजल के, तो हालात उससे ज़्यादा बेकार हो सकते हैं। ये जो आज हम प्याज जो है 20 से 30 रुपये बेच रहे हैं, ये प्याज 50-60 रुपये किलो जा सकती है 2 महीने बाद अगस्त में। इस हर सब्जी में जो है तराई तराई मचे, ऐसा आइडिया लग रहा है। जी, मेरा नाम पंकज गुप्ता है, हम यहाँ पे प्याज का कारोबार करते हैं, आड़ती हैं। पंकज जी, प्याज का रेट बताएं कि पहले के क्या रेट था, अभी क्या रेट बढ़ा हुआ है? पहले महीना भर पहले यहाँ पे प्याज का रेट आपका 10 से 15 रुपए किलो था, और अभी हम यहाँ पे 15 से लेकर 25 रुपए किलो बेच रहे हैं। और प्याज के रेट में बढ़ोतरी का कारण थोड़ा सा बारिश का और फसल कम होने का कारण है। वहाँ पे थोड़ा सा पेट्रोल और डीजल के रेट जो बढ़े हैं उससे भी फ़र्क पड़ा है। क्या पेट्रोल डीजल से ज़्यादा प्रभाव पड़ा है? नहीं, ऐसा तो नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, सब कारणों का मिलके ही प्रभाव पड़ा है। पेट्रोल डीजल का भी 20% माना जाएगा कि 20% प्रभाव है, और ये मौसम की मार, बारिश का होना, इन सब चक्करों के कारण भाव बढ़ा हुआ है। क्या लग रहा है पहले, जैसे आपने बताया एक महीना पहले 10 से 15 था, 25 से 30 रुपये रेट हो गया? जी जी, होलसेलर में रेट है तो रिटेलर में कितना जा रहा है? देखिए जी, होलसेल में आज 15 से 25 का रेट है, तो रिटेल के अंदर क्या होता है, रिटेल के अंदर कोई पॉलिसी नहीं है, तो रिटेल के अंदर आपका 30 रुपये से 40 रुपये का भाव मिलेगा आपको मिनिमम। और आगे हमें आगे आने वाले टाइम में लग रहा है कि अगर ऐसे मौसम की मार रही तो थोड़ा सा भाव और 5-10 रुपये तेज हो सकता है। मौसम के हिसाब से और भी माल का, मौसम के हिसाब से, फ्यूल के हिसाब से, डीजल के हिसाब से, अगर ये चलता रहा, अगर सरकार ने कोई रियायत दी तो उसके बाद भाव कम हो सकता है। जैसे डीजल वगैरह में कोई सब्सिडी दे दे सरकार, तो उससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ सकता है।